नशेतवान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 and 9, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर विद माय फोर्थ लेक्चर ऑफ यूनिट 2। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स यू वर टॉट अबाउट द एक्सरसाइजेस ऑफ पेज 16, 17, 18, 19 and 20। नाउ वी आर डूइंग द ग्रामर एक्सरसाइजेस एंड द टॉपिक इज प्रोनाउन। ये जो ग्रामर एक्सरसाइज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है वो ग्रामर एक्सरसाइजेस का होता है। इसलिए बहुत अटेंशन से, बहुत गौर से आपने इन एक्सरसाइज को देखना है और इनको याद करना है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव मार्क्स, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके मार्क्स भी सॉलिड होते हैं, ठीक है। नाउ प्रोनाउन एंड पेज नंबर 21। डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। आपके लिए प्रोनाउन कोई नया वर्ड नहीं है। आप ग्रेड 2 से मेरे ख्याल में या ग्रेड 3 से ही प्रोनाउन को पढ़ते आ रहे हो। अब आपको जस्ट उसकी एक रिकैप्चुलेशन देते हैं, उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि, और फिर इसके बाद उसकी एक्सरसाइज करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन is a word. Pronoun is a word which is used in place of a noun. यानी जो noun की जगह word use होता है वो होता है pronoun, ठीक है। यानी for example, Ali is a boy. He is my brother. Ali is a boy. He is my brother. यहाँ पे दोबारा मैंने अली नहीं लगाया, बल्कि उसकी रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए कि बार बार अली जो है रिपीट ना हो, मैंने उसकी जगह लगा दिया है ही, और ही क्या हो गया, ये एक प्रोनाउन हो गया है। इसी तरह जो सेकंड एक्सरसाइज स्टेटमेंट है या एग्जांपल है, शाजिया इज़ अ गर्ल, शी लिव्स नियर माय हाउस। शाजिया एक लड़की है और वो कहाँ पर रहती है, वो मेरे घर के करीब रहती है, ठीक है। अब मैंने शाजिया के वर्ड को रिपीट होने से बचाने के लिए मैंने उसकी जगह वर्ड क्या लगाया है, शी। अब शी क्या हो गया है, ये प्रोनाउन हो गया है। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन। वी हैव 4 एक्सरसाइजेस ऑफ प्रोनाउन, एक्सरसाइज ए एंड बी ऑन पेज 21 एंड एक्सरसाइज C and D on page 22. In exercise A, we have 5 statements and for each statement 4 options are also given and you have to choose the correct option. Okay? First statement. We all told the boss that we wanted to have our salaries paid in advance, but he just ignored dash. ऑप्शन ए अस, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हिज। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अस। व्हेन, नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, व्हेन द मैन आस्क्ड मी हाउ आई हैव गॉट हिज एड्रेस, आई टोल्ड हिम दैट आई वाज गिवन इट बाय अ रिलेटिव ऑफ डैश। ऑप्शन ए मी, ऑप्शन बी हिज, ऑप्शन सी ही, ऑप्शन डी हिम। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हिम। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, ऑल्दो नो वन इन द रूम सीम टू फॉलो डैश सेट बाय द स्पीकर, ही नेवर इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई हिज लैंग्वेज। अगेन 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए एनीथिंग, ऑप्शन बी एनीबडी, ऑप्शन सी नथिंग, ऑप्शन डी anyone. The correct option is option A, anything. Now statement number 4, I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I won't be able to be there dash. Option A myself, option B mine, option C oneself, ऑप्शन डी योरसेल्फ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मायसेल्फ। नाउ स्टेटमेंट नंबर 5, वी डिसाइडेड टू डू ऑल द कुकिंग डैश इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ कैटरिंग
company for the party. Option A, of or on. Option B, oneself. Option C, by ourselves. Option D, ours. The correct option is option C, ourselves. Student, you have to do this exercise on your book. Now, exercise B. Exercise B is related to relative pronoun, which is a kind of pronoun. Relative pronoun. A relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals, or idea. Relative pronoun means any which makes relation. यानी किसी न किसी के साथ ताल्लुक जो है वो शो करता है जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है. यानी ऐसा वर्ड, ऐसा प्रोनाउन जो दूसरे वर्ड के लिए, चाहे वो एनिमल है, चीज़ें हैं, आइडिया है, लोग है, जगह है, जिसका जिक्र पहले आ जाता है, ठीक है, और उसके लिए ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है, यानी उसके साथ उसकी रिलेशन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द वुमेन हु वॉज शाउटिंग वॉज एंग्री. यहाँ पे वोमेन, वोमेन का जिक्र किया गया है और इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, हमने किया है हु, ठीक है. अब ये किसके साथ रिलेशन को जाहिर कर रहा है, वोमेन के साथ. नाउ सेकेंड, द गर्ल हुज फादर इज़ अ डॉक्टर इज़ इन माई क्लास. अब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हुज, यानी लड़की जिसका फादर डॉक्टर है वो क्या है, मेरी क्लास में है. सम रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, विच, दैट, हुज, हुम, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, एटसेट्रा. नाउ लेट डू द एक्सरसाइज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. देयर आर सम रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, दैट, विच, व्हेन, वेयर, हुम, व्हाई, ठीक है, एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, स्टेटमेंट नंबर वन, द शॉप डैश आई गो टू इज क्लोज्ड. द शॉप डैश आई गो टू इज क्लोज्ड. यहाँ पे आता है वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन विच. द शॉप विच आई गो टू इज क्लोज्ड. नाउ नंबर टू, Your shop dish will probably be shut down next year is really old. यहाँ पे कौन सा आता है, that. Your shop that will probably be shut down next year is really old. Now number three, I have met most of the people dish are eager to take part in the competition. यहाँ पे कौन सा आता है, who. I have met most of the people who are eager to take part in the competition. Now, number four. Do you know the reason? Do you know the reason dish or offer was rejected? क्या अब यहाँ पे कौन सा आएगा कि why, क्यों हमारे जो offer था उसको reject किया गया है. Do you know the reason why or offer was rejected? Now, number five statement. Do you remember the town dash you were born in? Where? Do you remember the town where you were born in? Again, student, you have to do this exercise on your book. Now, exercise C, page 22. Put the following indefinite pronouns into the correct blanks. First, see. What are indefinite pronouns? Indefinite pronouns refer to any unspecified person or thing. यानी किस person या thing के लिए use होते हैं, unspecified, जो specify ना हो. Examples, in the party everybody was invited. यानी party में जितने लोग थे हर किसी को invite किया गया था, ठीक है. अब some indefinite pronoun कौन कौन से हैं, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, no one, nothing, someone, something, or each, etc. Now the question,
Put the following indefinite pronouns into the correct blanks. There are indefinite pronouns and you have to fill these blanks with the help of these pronouns. Statement number 1. Can't you hear that Dash is knocking on the door? यहाँ पे कौन सा आता है? Someone. ठीक है? Can't you hear that someone is knocking on the door? No. Second statement. I was wondering if you would like Dash to drink. पीने के लिए क्या चीज़ चाहिए? Something. कुछ भी. I was wondering if you would like something to drink. Now number 3, the family members have been badly injured in the accident. Is there Dash to help them? क्या उनके मदद के लिए कोई था? So option में क्या आएगा? Anyone. The family members have been badly injured in the accident. Is there anyone to help them? Now number 4 statement. Seema has just checked the internet, however she couldn't find the article Dash. यहाँ पे anywhere, यानी इसको article कहीं भी नहीं मिला. Seema has just checked the internet, however she couldn't find the article anywhere. Now, statement number 5. Unfortunately, this plant is already dead and there is Dash we can do about it. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आते हैं? नथिंग. अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट इज ऑलरेडी डेड एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट. अगेन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक.